फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं जिम शेप स्क्वाड जिम में, जो कि यहाँ जनता कॉलेज के पास ही है। यहाँ पे ये फेमस जिम है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, जनरली सुबह और शाम को दोनों टाइम आते हैं। तो चलिए आज हम इस जिम का विज़िट करते हैं। और ये भैया यहाँ पे हमारे बैठे हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। और बताइए कैसे हैं? बढ़िया भैया। तो ये बता दीजिए कि आपका जिम कब से चालू है और कितना समय हो गया? इसी साल मार्च में स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इसी साल मार्च में स्टार्ट हुआ है, मतलब नया जिम है, तो मतलब सारी नई ऊर्जा है आपके अंदर। इक्विपमेंट भी नए हैं, ट्रेनर भी नए हैं, सब चीज़ नए हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं, तो ये रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? तो स्टार्ट किया है, धीरे रिस्पांस मिलेगा, पर जैसा मैंने देखा है आपके यहाँ पे आके, तो अच्छा रिस्पांस मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में जैसे लोग मिलते हैं उस हिसाब से आपका बहुत बढ़िया है, पर अभी थोड़ा सा समय होते होते और अच्छा हो जाएगा, पता है मुझे। तो आपकी टाइमिंग क्या है यहाँ पे जिम की? देखिए सर, टाइमिंग है सुबह 5 से लेकर 10। सुबह 5 से 10 और शाम में 4 से 9। शाम में 4 से 9। अच्छा, ये क्या पूरे हफ्ते खुला रहता है कि बंद भी रहता है कभी? संडे क्लोज रहता है। अच्छा, संडे क्लोज रहता है। संडे क्लोज रहता है मसल्स की रिकवरी के लिए। अच्छा, काम के लिए नहीं, मसल्स की रिकवरी के लिए। मसल्स की रिकवरी, लेकिन बॉडी को क्या रेस्ट देना चाहिए। हाँ, वो भी सही है, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसको रेस्ट भी देना चाहिए। रिकवरी नहीं होगी तब तक मसल ग्रो नहीं करेगी इसके लिए। हाँ, तो अच्छा, जिम इंस्ट्रक्टर कौन है यहाँ का? मैं। अच्छा, इसीलिए तो आपसे इतनी जानकारी मिल रही है। सही बात है, आप है और भी हैं, वो भैया भी हैं, मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, तो चलिए जिम का टूर करवा दीजिए, डिस्क्रिप्शन बता दीजिए सबका। बस भैया, आपका नाम क्या है, हम पूछना भूल गए थे। मेरा नाम विपिन पांडे। विपिन पांडे नाम है, और वो दूसरे भैया उनका क्या नाम है? प्रवीण तिवारी। प्रवीण तिवारी। अच्छा, दोनों का नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप अगर आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इनसे बिफोर कमिंग टू जिम, तो आप पूछ सकते हैं, है ना भैया? जी हाँ, फुल सपोर्ट मिलेगा। खुशी होगी। हाँ जी, ट्रेडमिल है। अच्छा, ये वेट लॉस करने के लिए। हाँ, ये सारे वेट लॉस करने के लिए हैं। ये साइकिलिंग इलेक्ट्रिकल क्रॉस ट्रेनर। वेट लॉस की मशीन है। अच्छा, वेट लॉस की है। फुल्ली मतलब फुल वार्म हो जाता है, फुल बॉडी का। ये कार्डियो के ऑप्शन है। अच्छा, कार्डियो के ऑप्शन है, मतलब वेट लॉस के ऑप्शन की है आपके जितने सामने, ये कार्डियो के ऑप्शन। अच्छा, ये साइकिलिंग कॉमन बेंच है। हाँ, एब्स की वर्कआउट करने के लिए आपका मल्टी प्रेस है, मिड चेस्ट। अच्छा, इसमें चेस्ट की वर्कआउट्स आ जाती हैं। हाँ, चेस्ट की वर्कआउट भी और शोल्डर की वर्कआउट भी हो जाएगी, इस पर दोनों लगेंगे। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँगा, न्यू मशीन है ये। हाँ, ये तो दिख ही रही है, सब चमक रही है न्यू मशीन से। और ये मशीन है, इसमें लैट पुल का भी ऑप्शन है, रोइंग का भी ऑप्शन, ये भी मल्टीपर्पज है। अच्छा, ये मल्टीपर्पज है, दोनों बैक की मसल्स के लिए। अच्छा, मसल्स बैक और चेस्ट, ये सब के लिए। और ये अच्छा, ये बैक के लिए हो जाएगा, और जो पहले वाला था चेस्ट के लिए हो जाएगा। अच्छा, और ये लेग की मशीन है, लेग एक्सटेंशन का ऑप्शन है, लेग कर्ल का है, लेग एक्सटेंशन होता है आपके क्वाड्स के लिए, और लेग कर्ल होगा आपके हैमस्ट्रिंग साइड के लिए। अच्छा, आगे पीछे दोनों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा बना हुआ है, ये क्वाड्रिसेप्स के लिए। हाँ, और ये अपन कर्ल करेंगे तो ये हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के लिए। अच्छा जी, ये मल्टीपर्पज वाली मशीन है, सारी मशीनें आपको जो मिलेंगी मल्टीपर्पज मिलेंगी आपको। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बाइसेप ट्राइसेप्स भी इसमें हो जाते हैं। हाँ, इसमें बाइसेप्स ट्राइसेप्स शोल्डर बैक सारी से हो जाती है। अच्छा, ये मतलब ये मान लो कि जितनी डंबल से वर्कआउट होती है ये मशीन से होती है, वो सारी वर्कआउट केबल से भी होती है। अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है। अच्छा, इसमें बाइसेप्स करने के लिए है। अच्छा, लेग प्रेस। हाँ, ये आप डाउन। हाँ, सही है, इसमें लेग प्रेस भी है, इसमें आप हैक स्क्वाट भी कर सकते हैं।
हैक स्क्वाट मशीन हो गई है। अच्छा अभी होती है वो लेग प्रेस की, ये हैक स्क्वाट है। हैक स्क्वाट सही है, दोनों लेग्स के लिए, लेग्स के लिए ये। और ये वॉशरूम भी दिया गया है फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। पानी अगर आप अपना बॉटल लेके आते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, और टॉवल भी लेके आते हैं तो अच्छी बात होगी, और वाटर यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे शूज़ भी रखने की जगह दी गई है, जैसे बाहर जाते हैं वही शूज़ पहन के अंदर आते हैं तो गंदा हो जाता है, तो इसीलिए शूज़ भी दी गई है यहाँ पे। शूज़ अपना रख सकते हैं, आके पहन लीजिए, जाते समय उतार दीजिए, तो ये इसकी सुविधा दी गई है, स्पेशल मशीन है। नेक्स्ट फिर आइए, डंबल्स बहुत सारे रखे हैं यहाँ पे, ढाई किलो से लेकर के 40 किलो तक के। अच्छा, ढाई किलो से स्टार्ट हो गए 40 किलो तक सारे डंबल आपको मिलेंगे। हालांकि 40 किलो बहुत रेयर लोग यूज करते हैं, बट फिर भी अवेलेबिलिटी के लिए आपने रखा है। अवेलेबिलिटी के लिए ये ना हो कि मतलब डंबल्स की कमी है, 40 किलो के सारे डंबल मिल जाएंगे आपको। तो कितने भी बंदे आ जाए यहाँ पे सबका फुलफिलमेंट हो जाएगा। डंबल्स की वैरायटीज भी हैं आपके पास, 3-4 डंबल के मिलेंगे, डंबल्स की कमी नहीं है। हाँ सही है। इसके अलावा ये आपकी बेंच है, चेस्ट की बेंच है, इंक्लाइन बेंच बोलते हैं, और वहाँ पे भी आ गई है। स्पेशियस भी है, मतलब इतना भी वो नहीं है कि मतलब कंजेस्टेड हो, सबके लिए पर्याप्त है। स्पेस जो है मेंटेन रही है आपकी, डिक्लाइन बेंच है ये भी चेस्ट के लिए। अच्छा, चेस्ट के लिए 2-3 मशीन्स हैं। हाँ, ये पूरा फुलफिलमेंट कर देगी आपके एक्सरसाइज को, और वो भी चेस्ट की है। हाँ, वो भी चेस्ट की, वो फ्लैट बेंच है। अच्छा, तो यहाँ पे पंखे भी लगे दिख रहे हैं मुझे, पंखे भी पूरे हर जगह लगे हुए हैं, प्लस यहाँ पे एसी भी लगी हुई है। अगर ज़्यादा ही आपके स्वेट आता है तो आप थोड़ा 2-3 मिनट रेस्ट भी कर सकते हैं आप वर्कआउट के बीच में। रूम टेम्परेचर वो नॉर्मल करने के लिए, रूम टेम में बाकी देखिए जिम में एसी वैसी कोई रूल होता नहीं है। हाँ, जिम में इंसान आ ही रहा है, स्वेटिंग पसीने बाहर निकालने के लिए आता है। हाँ सही बात है, पर ये है कि रूम नॉर्मल रहता है तो रूम टेम्परेचर नॉर्मल रहे, इसलिए वर्कआउट ओवर स्वेटिंग हो जाए। हाँ, तो ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है बॉडी से, इसके लिए। अच्छा, वर्कआउट करने के लिए सही रहता है। तो कितनी एसी लगी है यहाँ पे? दो एसी लगी है, पर्याप्त 2 AC इंसान के लिए, प्लस फैन भी सब इतने सारे लगे हैं। और ये रोड के किनारे भी बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे, मतलब पूरी तरीके से आपका मन लगेगा। और प्लस अगर स्पीकर की बात करें तो साउंड सिस्टम, अगर आपने वीडियो के बीच में सुना हो तो सुनाओ, नहीं तो यहाँ पे अभी मैंने पॉज करके रखा है, बट ये यहाँ पे स्पीकर भी लगे हुए हैं, आपका पूरा मन लगा रहेगा। और कोविड चल रहा है तो इसके बारे में आपने क्या प्रिकॉशंस सोच रखे हैं, इसके बारे में बता दीजिए। अपन क्या फुल्ली दिन में 2 बार अपन मशीन सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर से। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा अपन ये रखी टेम्परेचर मशीन है, अपन टेम्परेचर चेक करते हैं। अच्छा, इसका टेम्परेचर आपका ये चेक भैया अपना चेक कर रहे हैं, देखिए 36.2 है, 37.5 तो जिसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा निकलेगा उसको जिम में एंट्री नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब प्रिकॉशन अच्छी तरीके से रखते हैं। जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनकी भी एंट्री नहीं होती है। हाँ सही है, वैक्सीन तो खैर सबको लगवा लेनी चाहिए कम से कम एक बार मिनिमम, वैक्सीन तो लगवानी ही चाहिए। हाँ, और सैनिटाइजर भी रखे हैं कि जो भी एंट्री करता है सबसे पहले अपने आप को सैनिटाइज करें फिर आगे बढ़े। जी, जैसे अगर कोई वेट लॉस कर रहा है, वेट गेन कर रहा है, तो उसका आप चेक भी कर सकते हैं इस मशीन से, आप देख सकते हैं वेट मशीन से। तो मतलब यहाँ पे फुल्ली तरीके से आपका पूरा सेटअप करके रखा है आपने, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने दी है। एक एसी आप वहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ भी है जी। और बैनर लगा के रखे हैं कि डीमोटिवेट नहीं होने पाए इंसान। नहीं नहीं, डीमोटिवेट से भी होने कोई चांस ही नहीं। हाँ, बाकी मोटिवेट देख ही रहे हैं कि अभी अभी एक तो मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, जैसे ही जस्ट खुला ही है तभी मैं आ गया हूँ, तो देख ही सकते हैं अभी भैया ट्रेन कर रहे हैं उनको, तो मतलब फुल्ली ट्रेन करेंगे आपको, उसकी तो कोई कमी नहीं है। प्लस ही टाइमिंग तो आपने बता दी, सुबह 5 से 9 बजे और शाम को कितना? 5 से 10 और शाम में 4 से 9 तो ये ठीक टाइमिंग है। दोपहर में तो खैर सभी का ऑफ रहता है, तो और गर्ल्स की दोनों की वही टाइमिंग है, तो चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स सुबह भी आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, जैसा आपको सहूलियत लगे उस तरीके से आप आ सकते हैं। तो अब आप इसकी फ़ीस बता दीजिए कि वेट लॉस वेट गेन जो भी होता है स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे इन्होंने लगा के रखा है कि कोई भी अगर आता है तो देख सकता है। ये कार्डियो को बता दीजिए आप पहले, क्योंकि इसमें कार्डियो और स्ट्रेंथ दोनों का है। कार्डियो स्ट्रेंथ दोनों का है, ठीक है। अच्छा, मंथली फीस आपकी अगर है तो 1200 है। मंथली फीस क्या है, कॉस्टली है।
क्योंकि देखिए एक महीने में आपका ना वेट गेन हो सकता है ना वेट लूज हो सकता है। सही बोल रहे हैं, वेट गेन एक महीने में तो एक महीने में कुछ भी नहीं होता। देखिए मंथली के अलावा अगर आप क्वार्टरली फीस कर रहे हैं तो ये है 2500 रुपये। 2500 एक मतलब नॉर्मल एवरेज 800 रुपये मंथली के हिसाब से पड़ेगा आपको। हाफ ईयरली आपका 3500 रुपये। अच्छा जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हैं जैसे थोड़ा डिस्काउंट डाउन आएंगे फीस में क्या उतने वेरिएशन आपको मिलेंगे। हाँ सही है। और ये इंस्टॉलमेंट बगल में लिखा है क्या है? इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन अगर आप हाफ ईयरली अमाउंट एक बार में नहीं पे कर पा रहे हैं, आपको ज्यादा लग रहा है, तो आप 2 बार में पे कर सकते हैं। अगर आप ईयरली अमाउंट आप नहीं पे कर रहे तो आप 3 बार में कर सकते हैं। अगर आप ये कार्डियो के साथ हो गया, अगर आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उसका फीस चार्ट ये है, इसमें भी अच्छा, विदाउट कार्डियो। अच्छा इसके लेस यहाँ पे रखे गए हैं चार्जेस, तो यहाँ पे मंथली अगर लेते हैं तो अगर 800 का पड़ता है, क्वार्टरली 2000 और हाफ ईयरली मतलब जैसे जैसे आप अगर जाते हैं ज़्यादा तो थोड़ा डिस्काउंट मिल देखने को मिलता है। नीचे जितना आप लंबा प्लान लेंगे उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। और लंबा प्लान ही लेना चाहिए। और पहला मंथ कॉस्टली इसलिए किया जाता है क्योंकि पहले मंथ में मिलता नहीं है कुछ, एक महीने में कोई फर्क देखने को मिलता नहीं ज़्यादा, और इसमें फिर कस्टमर ये वो करने लगते हैं कि कुछ हुआ नहीं। सही बात है, तो एक मंथ में क्या ही हो सकता है, इसलिए एक महीने में कुछ भी नहीं होता है। समय लगता है, बॉडी बिल्डिंग की प्रोसेस क्या थोड़ी सी लंबी है, टाइम लगता है, टाइम आपको देना पड़ेगा टाइम। हाँ ये तो देना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मेहनत करके सबकी बॉडी आ जाती है। तो और ये डाइट वाइट का कौन बताता है, कौन ये सब करता है? डाइट का सब आपको मैं ही बताता हूँ। अच्छा सब आप ही बताते हैं। आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है कि क्या है? जी मैंने इंदौर से ली है ट्रेनिंग। इंदौर से? इंदौर में गोल्ड एकेडमी से मैंने ट्रेनिंग ली हुई। अच्छा तो यहाँ पे आप सबको डाइट भी बताते हैं सब कुछ एकदम? जी सबको डाइट भी बताई जाती है, सबको एक्सरसाइज बताई जाती है, और फॉर्म टेक्निक्स और हर चीज़ें सबको बताई जाती है। तो कहीं भी आपको कमजोरी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे, पूरी तरीके से फुल्ली मिलेगी, मेंबर्स का पूरा ध्यान रखा जाता है। हाँ ये तो यही तो चाहिए मेंबर्स को कि जिम तो आपको मिल गया, कोई मेंबर्स ही है इसलिए अपन के उनका पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा कोई कोई ऐसे भी लोग आते हैं जो क्या कहते हैं सिर्फ फोटोग्राफी के लिए आते हैं, जैसे फोटो खींचते हैं पोस्ट करते हैं? जिम में देखिए अलग अलग माइंडसेट रहता है, बहुत सारे लोग अलग अलग माइंडसेट से आते हैं। पर आपका फोकस तो अपना जो काम है वो है सर्विस देना, सर्विस तो अपनी वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और आपका नेचर भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई ज़्यादा उसकी दिक्कत नहीं है। पेमेंट ऑप्शन आपको अगर कैश देना दे सकते हैं, प्लस अगर ऑनलाइन भी पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये आपका जनता कॉलेज के पास है ये लोकेशन, तो मैं इसकी लोकेशन भी हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप लोग विजिट कर पाएँ। और इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो कि कभी कभी अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं या फिर बारिश हो जाती है, जैसे आज मौसम बारिश का है, तो अगर जिम बंदा मोटिवेटेड रहे, डीमोटिवेट नहीं होना है, और जो अगर मुझे लगता है कि मतलब ये काम की चीज़ है क्लाइंट्स को मालूम नहीं चाहिए तो वो मैं उसमें शेयर करता हूँ, बाकी टाइमिंग वगैरह के लिए तो फ़ोन है मोबाइल है अपने कॉन्टेक्ट पे ही रहता है। अच्छा कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए अगर बीच में लॉकडाउन पड़ जाए, अच्छा उन्होंने पेमेंट कर दी और लॉकडाउन पड़ जाए तो फिर क्या होगा? देखिए लॉकडाउन जब तक रहता है उसकी फीस इंक्लूड नहीं करते हैं। अच्छा लॉकडाउन की फीस इंक्लूड नहीं है, लॉकडाउन की फीस इंक्लूड नहीं करते हैं, मेंबर्स का नुकसान ही होना चाहिए, बाकी चल ही रहा है नुकसान तो सभी का हो रहा है कोरोना में। हाँ कोरोना में अलग सबका नुकसान है, पर लॉकडाउन में तो सही बात है कि ना जिम इंस्ट्रक्टर की गलती है ना लोगों की गलती है, तो उसकी फीस उसकी चार्जेस तो नहीं लेंगे, तो उसका एक्स्ट्रा दिन दे दिया जाता है कि एक्स्ट्रा अगर आगे कंटिन्यू करना है। अकाउंट ही फ्रीज कर दिया जाता है, जितने जिम क्लोज रहेगा आपके अकाउंट फ्रीज रहेगा, आपके पैसे सेव रहेंगे। सही है सही है। तो हो गया बंदों के आने का भी टाइम हो गया है, आज हालांकि बारिश हो रही है। तो यही है आपका शेप स्क्वाड जिम के बारे में मैंने बता दिया, और जो भी इंटरेस्टेड है वो पहले कॉल कर लें अगर आपको कॉल करना है जाने से पहले, और आके विजिट भी कर सकते हैं, लोकेशन में डाल दूंगा। तो चलिए थैंक यू। सो आज हमने पूरे जिम का टूर किया है और इंस्ट्रक्टर से भी बात की है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप यहाँ इस जिम में आना चाहते हैं तो पहले कांटेक्ट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे, और धन्यवाद।